तो बाढ़ और बारिश से हिमाचल में बड़ा नुकसान होने की खबर। प्रदेश में अब तक 133 लोगों की मौत, जबकि जान माल का भी भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सोलन के बद्दी में नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 लोग बह गए, प्रशासन कर रहा है तलाश। उत्तराखंड के धारचूला में कई जगह भारी बारिश से तबाही, कई जगह पहाड़ दरकने से परेशानी। मलबा गिरने के कुछ सेकंड पहले ही गुजरा मोटरसाइकिल सवार, बाल बाल बची मोटरसाइकिल सवार की जान। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे पर धनगढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ा, पानी में सड़कों के डूबने से बड़ी मुश्किलें, लोगों को आने जाने में हो रही है बेहद परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश से बड़ी परेशानी, पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आने से ट्रैफिक जाम, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, सड़क के पानी में डूबी, लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कतें। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे करीब 10 मीटर तक टूटा, लोगों को हो रही है बेहद परेशानी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश से नदी नाले में आई उफान, पुल टूटने से कई गांव का संपर्क टूटा, उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए लोग। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी, महज आधे घंटे की बारिश से कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों की सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी जमा। और अमेरिका के लॉस वेगस में भारी बारिश से आई बाढ़, कई जगह पेड़ उखड़ गए। अंडर ब्रिज में पानी भरने से फंसी कार, सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से बचाया।